हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। दोस्तों, नवसारी जिला गुजरात का एक बेहद खूबसूरत जिला है। नवसारी जिला गुजरात राज्य की राजधानी गांधीनगर से 300 किलोमीटर के आसपास है। नवसारी जिला में घूमने हेतु कई सारे स्थान हैं, चाहे पार्क की बात हो या फिर संग्रहालय की। नवसारी में कई मनोरम स्थल आपके मन को शांति और सुकून पहुंचाने वाले हैं। दांडी बीच हो या वड़ताल मंदिर, राष्ट्रीय नमक सत्याग्रह हो या फिर दंडक वन आश्रम, नवसारी के हर एक स्थानों पर जाकर आपको यकीन मानिए काफी सुकून मिलेगा। नवसारी जिला 1997 में वलसाड जिले को विभाजित करके नए जिले के रूप में स्थापित किया गया था। 1997 से पहले नवसारी जिला वलसाड जिले का एक भाग हुआ करता था। ये जिला अरब सागर के किनारे अवस्थित है और नवसारी जिले की मुख्य नदी पूर्णा नदी है। इसके अलावा नवसारी जिले में अंबिका और कावेरी नदी भी बहती है। तो आइए जानते हैं नवसारी जिले में मौजूद 5 प्रमुख पर्यटन स्थलों के कुछ अमेजिंग और इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के बारे में। नंबर 1, आशापुरी माता मंदिर नवसारी। दोस्तों, नंबर 1 पर जो पर्यटन स्थल आता है उसका नाम है आशापुरी माता मंदिर नवसारी, जो कि इस जिले का सबसे बड़ा मंदिर है और नवसारी जिले का एक प्रमुख पर्यटन स्थल माना जाता है। दोस्तों, ये मंदिर आशापुरी माता को समर्पित है। मंदिर के अंदर मुख्य गर्भगृह में माता आशापुरी के दर्शन करने के लिए मिलेंगे। माता आशापुरी नाम के अनुसार ही सबकी इच्छाओं को पूरा करती हैं, इसलिए यहाँ पर बहुत सारे भक्त माता के दर्शन करने के लिए आते हैं। इस मंदिर में आपको काफी सारे देवी देवताओं के दर्शन करने के लिए मिल जाएंगे। इस मंदिर में शंकर भगवान का एक मंदिर है जहाँ पर शिवलिंग विराजमान है। इसके अलावा गायत्री माता का मंदिर, गणेश भगवान का मंदिर इत्यादि भी यहाँ पर मौजूद है। मंदिर में एक हवन कुंड भी है जिसमें नारियल की आहुति चढ़ाई जाती है। ये मंदिर नवसारी के दूधिया तालाब के पास अवस्थित है। मंदिर के बाहर प्रसाद के बहुत सारे दुकानें लगी हुई हैं जहां से खरीद कर आप माता को प्रसाद अर्पित कर सकते हैं। यो तो यहां पर सालों भर भीड़ रहती है, लेकिन नवरात्रि के अवसर पर मंदिर में अत्यधिक भीड़ रहती है। नंबर 2, वंसदा नेशनल पार्क नवसारी। दोस्तों, नवसारी के 5 सबसे खूबसूरत स्थानों की सूची में नंबर 2 पर है वंसदा नेशनल पार्क नवसारी। वंसदा नेशनल पार्क नवसारी का एक मुख्य पर्यटन स्थल है और ये नवसारी के वंसदा तहसील में अवस्थित है। इस पार्क में काफी सारे जंगली जानवर और पेड़ पौधों की प्रजातियां देखने के लिए मिलेंगे। दोस्तों, यहाँ पर बरसात के समय पर आपको झरने भी देखने के लिए मिलेंगे और यहाँ पर आपको बर्ड्स की भी कई सारी प्रजातियां देखने के लिए मिलेंगी। नए वर्ष के दौरान आप यहाँ पर पिकनिक मनाने के लिए भी आ सकते हैं। वंसदा नेशनल पार्क की दूरी नवसारी जिला मुख्यालय से लगभग 68 किलोमीटर की है, जहां तक आप अपने निजी कार, बाइक अथवा अन्य वाहनों से पहुंच सकते हैं। नंबर 3, दांडी बीच नवसारी। दोस्तों, नंबर 3 पर जो पर्यटन स्थल आता है उसका नाम है दांडी बीच नवसारी। दांडी बीच नवसारी में घूमने वाली एक प्रमुख जगह मानी जाती है। दोस्तों, यह बीच नवसारी में दांडी में अवस्थित है और यहाँ पर आपको समुद्र का किनारा देखने के लिए मिलेगा, जो काफी सुंदर लगता है। दांडी नवसारी जिले से करीब 18 किलोमीटर दूर है और आप यहाँ अपने निजी वाहन से बड़े ही आसानी से पहुंच सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पर खाने पीने के लिए थोड़ी बहुत दुकानें भी मौजूद हैं जो यहाँ के लोकल लोगों द्वारा लगाई जाती हैं। इस जगह पर लोग शांति भरा समय बिताने हेतु आते हैं। तो अगर आप भी नवसारी जिले में कुछ मनोरम जगहों की तलाश में हैं, तो इस जगह पर आप घूमने के लिए जा सकते हैं। नंबर 4, वड़ताल मंदिर नवसारी। दोस्तों, नवसारी जिले में मौजूद 5 प्रमुख जगहों में नंबर 4 पर जो स्थान आता है उसका नाम है वड़ताल मंदिर नवसारी। वड़ताल मंदिर नवसारी का एक प्रमुख मंदिर है और यह मंदिर स्वामी नारायण भगवान जी को समर्पित है। मंदिर के अंदर आपको स्वामी नारायण भगवान जी, श्री राधे कृष्ण जी इत्यादि भगवान के दर्शन करने के लिए मिलेंगे। ये मंदिर काफी सुंदर और मनोरम जगह है और इस मंदिर को गोल्डन मंदिर के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इस मंदिर का ऊपरी शिखर पूरी तरह गोल्डन कलर का है, जो बहुत ही अद्भुत दिखता है। यहाँ पर आकर आपके मन को काफी शांति और सुकून मिलेगी। वड़ताल मंदिर नवसारी के आशा नगरवाद में अवस्थित है। नंबर 5, राष्ट्रीय नमक सत्याग्रह स्मारक नवसारी। दोस्तों, नवसारी जिले के 5 सबसे खूबसूरत जगहों में नंबर 5 पर जो जगह आता है उसका नाम है राष्ट्रीय नमक सत्याग्रह नवसारी। ये नवसारी में घूमने वाली एक मुख्य जगह है और ये स्मारक नवसारी में दांडी में अवस्थित है।
यहाँ पर एक म्यूजियम बना हुआ है। ये स्मारक इसलिए प्रसिद्ध है क्योंकि महात्मा गांधी जी ने यहाँ पर आंदोलन किया था जब अंग्रेजों ने नमक पर टैक्स लगा दिया था। इस फैसले के विरोध में महात्मा गांधी ने दांडी यात्रा की थी। महात्मा गांधी ने साबरमती आश्रम से दांडी तक पैदल यात्रा की थी। इस यात्रा में महात्मा गांधी और उनके अनुयायियों ने भी भाग लिया था। इस आंदोलन को याद करने के लिए यहाँ पर ये स्मारक बनाया गया है। यहाँ पर एक म्यूजियम भी बना हुआ है जहाँ पर आपको इस आंदोलन के बारे में बहुत सारी जानकारियाँ मिलेंगी। यहाँ पर आपको गांधी जी और उनके अनुयायियों के प्रतिमा देखने के लिए मिल जाएंगी। इस संग्रहालय में प्रवेश के लिए शुल्क भी लगता है जो कि 20, 10 और 100 का टिकट है। 5 वर्ष के कम उम्र के बच्चों के लिए यहाँ पर बिल्कुल निःशुल्क प्रवेश है और ये संग्रहालय सुबह 11 बजे से शाम 7 बजे तक खुला रहता है और यहाँ पर मंगलवार को छुट्टी रहती है। दोस्तों, इस संग्रहालय के ज़्यादातर भाग खुला एरिया में है और बहुत बड़ा एरिया में फैला हुआ है। तो अगर आप भी नवसारी में घूमने हेतु कुछ अच्छे स्थानों की तलाश में हैं तो इस स्थान को आप अपनी सूची में शामिल कर सकते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैंने आपको नवसारी जिले में मौजूद 5 दर्शनीय और मनोरम स्थलों के बारे में बताया है। इन स्थानों के अलावा भी नवसारी जिले में घूमने हेतु कई सारे शानदार स्थलें मौजूद हैं। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए राधे राधे, टेक केयर।